तो गाइस इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं, अगर आप काइन मास्टर यूज़ करते हैं या फिर कोई सा ऐप्स यूज़ करते हैं, वो ऐप जो है खुलता नहीं होगा, कि स्टॉपिंग या फिर आपके फ़ोन के ऊपर डिपेंड करता है क्या फोर्स स्टॉप दिखाता होगा, तो उस प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आता वीडियो को पॉज करके देखिएगा, और जो है कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकला या नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपके फ़ोन में जब भी ऐप्स को खोलते होंगे या फिर काइन मास्टर जो भी है आपका जो है स्किप स्टॉपिंग दिखाता होगा, तो सबसे पहले आपको दोस्तों जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको क्या करना है, सर्च करना है, मैनेज ऐप्स में जाना है। मैनेज ऐप्स में जाने के बाद आपको लिखना है उधर क्या लिखना है, आपको जो सिस्टम UI, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको टाइप कर लेना है सिस्टम UI, SYSTEM सिस्टम UI। तो ये हमारा फ़ोन जो इस वक्त है MI का फ़ोन, ठीक है, तो इस पर जो मैं लिख दे रहा हूँ सिस्टम UI, ध्यान से देखिएगा। सिस्टम UI लिखने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ नीचे देखिए, आपको जो कुछ करना नहीं है, आपको नीचे आके जो क्लियर चेस होगा उस पर क्लियर कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको बगल में फोर्स स्टॉप होगा, उसको फोर्स स्टॉप कर देना है। उसके बाद आपको जाना है, ध्यान से देखिएगा, रेस्ट्रिक डाटा यूजेज पे, उस पर क्लिक करने के जो है ब्लू टिक होगा उसको आप ऑफ कर देना है, क्योंकि कनेक्ट ना हो पाए सिस्टम से आपका कोई सा ऐप्स। तो इसको ऑफ करने के बाद आपको फिर सेटिंग में जाना है। सेटिंग में फिर आपको ऐप्स में सर्च करना है क्या, ध्यान से देखिएगा, फिर आपको सर्च करना है पैकेज इंस्टॉलर। पैकेज इंस्टॉलर को जो आप सर्च करेंगे, तो पैकेज इंस्टॉलर जो है आपको सेकंड वाला जो है उस पर क्लिक करना है। फर्स्ट वाला को छोड़ के दोस्तों ध्यान से देखिएगा, सेकंड वाला पे क्लिक करना है, पैकेज इंस्टॉलर जो लिखा है उस पर क्लिक करके आपको जो है फिर वही नीचे आके क्लियर डाटा कर देना है। ध्यान से देखिएगा, क्लियर ऑल डाटा। उसके बाद आपको जो है फिर उसमें जाके रेस्ट्रिक्ट डाटा में उसको ऑफ कर देना, जैसा कि ऑफ है हमारा पहले से ही। तो उसके बाद आपको फिर सेकंड वाला थर्ड वाला पे क्लिक करना है, थर्ड वाला पे वही करना है क्लियर चेस, क्लियर ऑल डाटा, दोनों का है क्लियर कर देना है। उसके बाद इधर भी रेस्ट्रिक्ट डाटा को ऑफ करना है, ठीक है, अगर इसमें आता है तो, इसमें नहीं है तो इसमें ऑफ रहने देना है। उसके बाद आपको दोस्तों बैक जाना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको इधर ही सर्च करना है जो ऐप्स में आपके प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हमारे इस वक्त जो है काइन मास्टर में प्रॉब्लम है, तो काइन मास्टर पे क्लिक कर दिया हूँ। क्लिक करने के बाद आपको जो है नीचे फोर्स स्टॉप आता है, तो फोर्स स्टॉप कर देना है। उसके बाद आपको जो है देखिएगा ध्यान से, रेस्ट्रिक्ट डाटा यूजेज पे क्लिक कर देना है। इधर क्लिक करने के बाद आपको जो है सबको ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद आप जो है बैक चले जाना है। तो दोस्तों जैसा कि आपको दिखा होगा कि रेस्ट्रिक्ट डाटा में मैंने ऑफ कर दिया है उसको टिक जो लगा था। तो अगर आपको बता दें कि अगर कोई भी ऐप्स यूज़ कर रहे हैं उस ऐप्स का जो अंदर का कोई फाइल डाउनलोड करना है, तो उसको जो है इधर इंटरनेट ऑन करना पड़ेगा, तभी आपका जो है ऐप्स के अंदर कुछ फाइल डाउनलोड होगा। तो चलिए काइन मास्टर खोल लेते हैं। खोलने के बाद देखते हैं कि हमारा काइन मास्टर काम कर रहा है या फिर वही कीप स्टॉपिंग या फिर फोर्स स्टॉप दिखा रहा है। इस वीडियो में देखिए मैं लाइव दिखा रहा हूँ, कोई पॉज नहीं है, तो देखिएगा ध्यान से बगैर पॉज किए मैंने दिखाया है, कोई पॉज नहीं वीडियो को। तो देखिए प्रोसेस ले रहा है। तो दोस्तों देखिए जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा लाइव जो है हमारा काइन मास्टर जो है काम कर गया। जो मैंने आपको ट्रिक बताया है वो शायद कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा, या फिर आपको बताया भी होगा तो इस तरीके से क्लियर नहीं बताया होगा। तो दोस्तों अगर ये आपके कोई प्रॉब्लम होता है, ये आप ट्रिक अपना के देखिए, अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो आप इधर कमेंट्स में बताइए, मैं फिर उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालूंगा और इसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हम इस पर जो है अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।